तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय रोजन ऐप। ये पैसे कमाने का बहुत ही आसान और मजेदार तरीका है। सो गाइस, मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहाँ पे आप जाके रोजन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो। सबसे पहले आप अपना फोन नंबर एंटर करोगे तो वहाँ पे आपको 25 रुपये पेटीएम कैश मिल जाएंगे। उसके बाद जब भी आप मेरा इन्वाइट कोड यूज़ करोगे तो आप 25 रुपये पेटीएम कैश और कमा लोगे। और आप रोजन ऐप में एक्टिव रहोगे और डेली एक्टिविटीज़ करोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो रात में मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो मेरी अर्निंग रोजन ऐप से, तो आपको एक पॉइंट्स के मिलेंगे 5 रुपीस और वो बहुत ही आसान है कमाना। तो गाइस, एक्टिव रहो, यूज करते रहो और कमाते रहो मेरे जैसे पैसे। रोजन ऐप का जो लिंक है और मेरा इनवाइट कोड, दोनों चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके रोजन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और मेरा इनवाइट कोड यूज करके पैसे कमा सकते हो। तो जाओ रुके कि वो पैसे कमाओ। सो गाइज, आपको टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि एक किस टॉपिक के ऊपर वीडियो होने वाला है। सो हाँ गाइज, आज के इस वीडियो में हम हमारे कूलेंट को चेंज करने वाले, मतलब कूलेंट को पूरा जो सिस्टम है कूलेंट का हमारा, उसको पूरा ड्रेन ऑफ करने वाले और नया कूलेंट डालने वाले। सो हाँ गाइज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कोई भी जो आपका लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल्स है उसमें से कूलेंट आप चेंज कर सकते हो। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, सभी बाइक्स के लिए सेम होगा। KTM ड्यूक 200, 390, RS 200, डोमिनार, फिर उसके बाद पल्सर NS 200, जितने भी मोटरसाइकिल्स है लिक्विड कूल्ड, उसके लिए प्रोसेस जो है ना सेम ही होगा। गाइज, अभी मैं आपको एक कूलेंट का मगजमारी बता देता हूँ कि कूलेंट एक्चुअली क्या होता है। सो गाइस, तीन टाइप के मोटरसाइकिल्स होते हैं, एक एयर कूल्ड होता है, एक ऑयल कूल्ड होता है और एक लिक्विड कूल्ड होता है। तो लिक्विड कूल्ड आप बोल सकते हो, वाटर कूल्ड आप बोल सकते हो, दोनों भी एज अ सेम ही है। तो इंजन जो है हमारा, उसमें कंबशन चालू रहता है तो उसकी वजह से टेम्परेचर रेज होता है, तो टेम्परेचर को लोअर डाउन करने के लिए कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो एयर कूल्ड जो है ना, 100 से लेकर 150 सीसी मोटरसाइकिल तक यूज किया जाता है, क्योंकि सीसी भी कम है, कंप्रेशन रेशियो भी कम है, तो इंजन ज्यादा हीट नहीं होता है। तो हम लोग गाड़ी चला रहे उसके एयर से ही वो कूल हो जाता है। ये सारे जो मोटरसाइकिल्स है वो एयर कूल्ड है। एक्टिवा भी हो गया, जुपिटर हो गया, वो सब कैसे एयर की मदद से कूल डाउन हो जाता है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा कंप्रेशन नहीं होता और रेसिंग इंजन नहीं है। फिर मैं आपको बताता हूँ ऑयल कूल्ड क्या होता है। ऑयल इंजन में ऑयल टॉप अप करते हैं, वही ऑयल जो है रेडिएटर के पास से घूमता है, छोटा सा रेडिएटर होता है, फिर वापस से इंजन पे आ जाता है, तो वो इंजन को ऑयल की मदद से कूल करता है। वो जो सिस्टम है ना, सबसे ज्यादा चीपर है, इसमें आपको कुछ भी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है, सिर्फ ऑयल टॉप अप करो एंड दैट्स इट। बट मेन जो सिस्टम है हमारा, वो है लिक्विड कूल। लिक्विड कूल में कैसा कूलेंट यूज होता है, कूलेंट जो है इंजन के आजू बाजू स्प्रेड होता है। ये लिक्विड कूल जो मोटरसाइकिल है उसमें मेनली जो है ना वाटर यूज किया जाता है। बट वाटर कैसा है, एकदम हाई टेम्परेचर में जाएगा तो वो बॉयल हो जाता है और वेपर बनाने लगता है, और एकदम लो टेम्परेचर में फ्रीज हो जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है वाटर में। तो इन लोग क्या करते हैं, वाटर में कुछ एडिटिव्स मिलाते हैं जिसकी वजह से ये एंटी फ्रीज हो जाता है, और हाई टेम्परेचर में भी एकदम प्रॉपरली यूज किया जाता है। वाटर जो है हमारे गैलरीज में घूमते हैं, जो इंजन का गैलरीज होता है, वो कैसे रस्ट हो जाते हैं। तो रस्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसमें अच्छे अच्छे एडिटिव्स डालते हैं और उसको कूलेंट बनाया जाता है। तो मेन जो बेस इंग्रेडिएंट है वो है वाटर। तो आप पानी से भी गाड़ी चला सकते हो एज अ कूलेंट, बट आपको ये यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके जो लाइन्स है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कूलेंट कभी चेंज करना चाहिए। सो कूलेंट आप चेंज किए 20,000 किलोमीटर पर या फिर 2 साल में, जो भी पहला आ जाए वो। ये जो चीज़ मैंने बताया वो ओनर्स मैनुअल भी बताती है। सो 2 साल या 20,000 किलोमीटर्स के बाद आपको कूलेंट चेंज करना चाहिए। सो गाइज, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सा कूलेंट यूज कर रहा हूँ। ये है मोटूल का मोटोकूल। सो गाइज, मोटूल के दो कूलेंट आते हैं मेन जो इंडियन मार्केट में यूज होते हैं, मोटूल इनविजुअल और एक है मोटूल मोटोकूल। सो गाइज, मैंने ऐसा सुना है कि मोटूल मोटोकूल जो है ना इनविजुअल से भी ज्यादा अच्छा है। इसका प्रोटेक्शन आप देख सकते हो, -37°C प्लस 135°C तक इसका प्रोटेक्शन है। सो गाइज, और एक बात इसमें लिखा हुआ, रेडी टू यूज कूलेंट, मतलब आपको इसको पानी के साथ मिक्स नहीं करना, डायरेक्ट डालो और यूज करो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 लीटर का बॉटल है और हमें पड़ा है ये 385 रुपीज में। अभी आप सोच रहे कि आपको कौन सा कूलेंट यूज करना है। सो गाइज, सभी जो पल्सर यूजर्स है, पल्सर RS 200, पल्सर NS 200 और डोमिनार 400, सो गाइज आप यूज कर सकते हो मोटूल मोटोकूल। KTM के यूजर्स है वो यूज कर सकते हो इंजन आइस। KTM जो इंजन है वो ज्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू पल्सर इंजन। जो KTM का इंजन है वो हायर कंप्रेशन रेशियो पे चलता है, तो वो जल्दी गर्म हो जाता है। NS 200 इतना जल्दी गर्म नहीं होता है, RS 200 भी इतना गर्म नहीं होता, डोमिनार 400 में भी इतने इश्यूज नहीं है हीटिंग के। ये जो कैन है ये 1 लीटर का कैन है, आपका 750 ml जो है रेडिएटर में जाएगा और 250 ml वो रिजर्वायर में जाएगा। सो अगर आपको चाहिए तो और 1 लीटर आप लेके रख सकते हो, अगर आपको कुछ टॉप अप करना रहेगा तो। कूलेंट का काम करते वक्त आप ग्लव्स पहनोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कूलेंट कैन बी वेरी सेंसिटिव टू अ स्किन, क्योंकि कोई कोई लोग का स्किन जो है ना बहुत सेंसिटिव रहता है और कूलेंट के हाथ में पड़ते ही रिएक्शन हो सकता है। सो मेक श्योर यू वेयर प्रॉपर ग्लव्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दो जो स्क्रूज है उसको अनबोल्ट करना है। आप देख सकते हो ये हमारा रिजर्वायर है, इसमें हमारा एक्स्ट्रा कूलेंट जो है वो सेव होता है। आप देख सकते हो ये टूट चुका है। सो गाइस, इसमें बहुत बड़ा होल हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्यूब है, इसको हमें जस्ट ये एक प्लायर की मदद से नीचे निकालना है। उसके बाद आप इसका जो ट्यूब है ये इजीली निकाल पाओगे। निकालने के बाद आपका जो कूलेंट है फटाफट सब नीचे ड्रेन ऑफ हो जाएगा। और एक नीचे एक ऐसा कुछ टब रखिए ताकि जो कूलेंट है हमारा नीचे ना जाए, बस डायरेक्ट ये कलेक्ट हो जाए।
यहाँ पे आप देख सकते हो ये पाइप, ये ओवरफ्लो का पाइप है, ये आप निकाल के बाद में भी लगा सकते हो। तो क्या करेंगे, ये मैं साइड में रख देता हूँ और हमारा जो ओल्ड कूलेंट है उसको ड्रेन ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बोल्ट, ये वाला जो बोल्ट है ये ड्रेन बोल्ट है, तो ये 8 मिलीमीटर का जो बोल्ट है हमें सॉकेट की मदद से लूज़ करना है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये 8 मिलीमीटर का सॉकेट है, हमें ये सॉकेट की मदद से लूज़ करना है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ बोल्ट आपको मिलेगा कूलेंट वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम कूलेंट थोड़ा थोड़ा ही टपक रहा है जब हम लोग ने ड्रेन बोल्ट निकाला। करेंगे इसका प्रेशर जो है ना रिलीज करेंगे, तो प्रेशर रिलीज कैसे करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। रेडिएटर कैप, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है नेवर ओपन हॉट, लिखा हुआ है प्रेशराइज सिस्टम 1.4 bar। अभी भी आपका इंजन गर्म रहेगा तो आपको ओपन नहीं करना है, तो मेक श्योर बिफोर चेंजिंग द कूलेंट आपको इंजन हमेशा ठंडा ही रहना चाहिए, ज्यादा गर्म रहेगा तो ये जो कैप है ये उड़ सकता है। जैसे हम लोग ये कैप को लूज करेंगे तो वहाँ से कूलेंट ड्रेन होगा, जैसे कि आप देख रहे हो। सो रेडिएटर का जो कैप है वो मैंने निकाल दिया है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो रेडिएटर का कैप और कूलेंट फटाफट नीचे गिर रहा है। इस फ्लश करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है डिस्टिल्ड वाटर, हम लोग ने डिस्टिल्ड वाटर भर के लिया हुआ है बैटरी वाले के पास से। आप बैटरी वाले के पास से ले सकते हो या फिर कोई भी ऑटोमोटिव स्टोर में आपको डिस्टिल्ड वाटर मिल जाएगा। गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ कि डिस्टिल्ड वाटर आपको क्यों यूज़ करना चाहिए। सो गाइस जो नॉर्मल हमारा बिस्लरी वाटर होता है या फिर टैप वाटर होता है, सो वो वाटर में जो है ना मिनरल्स होता है, थोड़े इंप्योरिटीज़ भी होते हैं, तो वो जो हमारे लाइन्स में ना स्टिक हो जाएंगे। बट डिस्टिल्ड वाटर में सिर्फ वाटर होता है, नो नेचुरल केमिकल्स या फिर इंप्योरिटीज़ रहता है। तो ये वाटर आप यूज़ कर सकते हो आपके रेडिएटर को पूरे क्लीन करने के लिए। पहला जो बोल्ट है हमारा वो ऑफिस में लगा दूंगा और इसको फ्लश के प्रोसेस में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे आपको फ्लश करना है। हमें वाटर फिल करना है, ये रेडिएटर का जो हमारा कैप का जगह है वहाँ पे वापस से वाटर फिल करना है टू द टॉप। पूरा डिस्टिल्ड वाटर फिल करने के बाद हमें इसका जो कैप है वो फिर से लगा देना है। तभी हम लोग को क्या करना है, इंजन को ऑन करना है और हमें देखना है कि हमारा फैन का भी चालू रहा है। तो फैन जैसे हम लोग का चालू हो जाएगा तो कैसे पूरा सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, उसके बाद वापस से एक बार ड्रेन ऑफ कर देंगे। ड्रेन ऑफ में हम लोग चेक करेंगे कि कैसे क्वालिटी का वाटर आ रहा है, वही ग्रीन कलर का आएगा तो और एक बार फ्लश करेंगे, अगर व्हाइट वाटर आया तो हम लोग क्या करेंगे नया कूलेंट हम लोग डाल देंगे। सो गाइस आप देख सकते हो कितना गर्म पानी है और ये पानी का कलर आप देख सकते हो पूरा ग्रीन है, मतलब अभी तक फ्लश नहीं हुआ है, हमें और एक बार ट्राई करना पड़ेगा फ्लशिंग का। हाँ नॉर्मल वाइट आया है, एक और ड्रेन लगेगा, एकदम साफ हो गया। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो हमारा वाटर है ना एकदम ग्रीन कलर का, कोई भी कूलेंट नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का जो बोल्ट है यहाँ का बोल्ट बंद कर देंगे और अभी हम लोग जो कूलेंट है हमारा वो रिफिल करेंगे। ये वाला जो कूलेंट है हम लोग ने पूरा बॉटल में ले लिया है क्योंकि कूलेंट का जो डब्बा है ना यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, तो हम लोग एक बॉटल का यूज़ कर रहे हैं। देख सकते हो रेडिएटर के अंदर हम लोग ने पूरा ब्रिम तक भर दिया है, मतलब ऊपर तक आ चुका है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसमें से एयर निकालना है सिस्टम में से। तो एयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने इंजन स्टार्ट किया तो पूरा जो कूलेंट है वो अंदर चले गया। तो अभी हम लोग और कूलेंट इसमें फिल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हम लोग इसका कैप फिट कर रहे हैं। कैप फिट करते टाइम जरा ध्यान से कीजिए क्योंकि कैप इसका जो है ना प्रॉपरली फिट हो जाना चाहिए, वरना ये उड़ के गिर सकता है बाहर। फिर हम लोग को ये रिजर्वायर का जो टैंक है छोटा वाला उसको फिल करना है। तो फिल करने से पहले हम लोग यहाँ का जो कनेक्शन होज है उसको लगा देते, नहीं तो हम लोग ऊपर से फिल करते रहेंगे और जो हमारा कूलेंट है वो यहाँ से गिरता रहेगा। सो हम लोग इसको अच्छे से लगा देते। कूलेंट फुल भरने के बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, ओवरफ्लो का जो पाइप है वो भी फिट कर देंगे। आपको ये जो रिजर्वायर टैंक है इसको लगाने के लिए वापस से 2 8 मिलीमीटर के जो बोल्ट मैंने बोला था वो निकाले थे हम लोग ने, उसको वापस से फिट कर देना है। जैसे कि आपने देखा अभी पूरा जो सिस्टम है हम लोग ने अच्छे तरीके से पैक कर दिया। सिर्फ आपको गाड़ी ऑन करना है और जब तक फैन नहीं चालू हो रहा है तभी तक आपको वेट करना है। फैन चालू होगा तो वो जो कूलेंट एकदम प्रॉपरली सर्कुलेट हो जाएगा और आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इसमें कम डाला उसमें ज्यादा डाला या उसमें ज्यादा डाला इसमें कम डाला। एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो दोनों भाई भाई है, दोनों में लेना देना चलते रहता है। सो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो अपने आप जो कूलेंट का लेवल वो मैच हो जाएगा। अगर आपको मतलब दिख रहा है कि कूलेंट लेवल थोड़ा लो है, ऐसा तो लो होगा नहीं, तो थोड़ा सा टॉप अप कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा मेरा कूलेंट जो है
डिस्टिल्ड वाटर से फ्लश किया, मैंने कोई फ्लश का यूज़ नहीं किया। जैसे कि लिक्विड मोली का एक फ्लश आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा मतलब जो सिस्टम है इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। अगर आपका सिस्टम ज़्यादा गंदा है, बहुत टाइम से अगर आपने कूलेंट चेंज नहीं किया तो आप फ्लश का यूज़ कर सकते हो। सो गाइस ये जो प्रोसीजर मैंने बताया सभी मोटरसाइकिल्स पे लग जाएंगे। ड्रेन बोल्ट था उसको आपको ढूंढना है, रेडिएटर का जो कैप है उसको आपको ढूंढना है, और कूलेंट का जो रिजर्वायर है उसको आपको, और जो मैंने प्रोसेस यूज़ किया है वही प्रोसेस आपको सेम दोहराना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू वॉच इट आउट टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट।